देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि थाना देवा में एक सूचना मिली थी जिसमें कि एक व्यक्ति जिसका नाम वीरेंद्र है उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सूचना पर तत्काल सभी पुलिस ऑफिसर्स फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंचे थे और साइंटिफिक तरीके से जो क्राइम सीन था उसको विजिट किया गया था। उस समय बताया गया था कि कुछ इंपॉर्टेंट लीड्स इस घटना में पुलिस को मिली हैं और उन्हीं लीड्स पर फर्दर काम करते हुए हमारे COCT के नेतृत्व में और हमारी स्वाट टीम और देवा की टीम ने इस केस का सफल अनावरण किया है। और ये बात पता चली है कि जो मृतक है उनका बड़ा भाई जिसका नाम सुनील यादव है वह उनसे दुश्मनी रखता था और दुश्मनी रखने का कारण ये था कि उसका कहना है कि उनके पिता ने उनकी जो जमीन है वो अपने दोनों भाइयों को दे दी थी, जो इसके दो भाई हैं वीरेंद्र और नरेंद्र, और जो ये अभियुक्त है इसके हिस्से में वो जमीन नहीं दी गई थी। और इसका ये कहना था कि जमीन ना होने की वजह से ये उससे रंजिश रखता था और इस रंजिश की वजह से इसने अपने भाई की गोली मारकर हत्या की। इस काम में इसने रेखा वर्मा, जो शांति विहार कॉलोनी की रहने वाली हैं, इनको उन्होंने इस्तेमाल किया। रेखा वर्मा इसके साथ इनका प्लानिंग का हिस्सा थी। रेखा वर्मा ने पहले उसको अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसको फिर नुमाइश ग्राउंड में बुलाया और जब वो वहाँ पहुँचे तो सुनील ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस घटना का बड़ा सफल अनावरण किया है और दोनों ही अभियुक्त सुनील यादव और रेखा वर्मा जिन्होंने मिलकर ये घटना कारित की है दोनों को पुलिस ने अरेस्ट किया है और इसमें अब जल्दी से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।